यार मेरी गुड़गांव में आज मीटिंग है, मैंने सोचा आज वीकेंड का एक व्लॉग बनाता हूँ। तो आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ गुड़गांव की सैर पे। तो ये जो है ये मैंने येलो लाइन ली है, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से मेट्रो कितना टाइम लेती है दिल्ली से गुड़गांव के लिए। येलो लाइन के बारे में बता देता हूँ, येलो लाइन डायरेक्टली आपको लेके जाती है गुड़गांव। बाकी भी काफ़ी लाइन्स है, मजेंटा लाइन होगी, उसके बाद ब्लू लाइन होगी, वहाँ से आपको इंटरचेंज करना पड़ता है, येलो लाइन पे आना पड़ता है, तभी आप जाते हैं। देखेंगे कितनी ज़्यादा भीड़ है। अभी तो ये कुछ नहीं है, वीकेंड है तो काफ़ी कम है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मेट्रो में। बट हाँ, मुंबई लोकल से आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते, काफ़ी कन्वीनियंट एंड काफ़ी कंफर्टेबल है। इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ, आपको गुड़गांव जाना है और सबसे फास्ट जाना है तो मेट्रो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। काफ़ी लोग कार भी प्रेफर करते हैं, बट एक एक आधे आधे घंटे का जाम लग जाता है यार वीकडेज़ में तो स्पेशली। तो सबसे अच्छा है कि अगर आपको जल्दी गुड़गांव पहुंचना है तो मेट्रो लीजिए। आई होप फ्लाइंग कार्स भी आ जाएँ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा लफड़ा है दिल्ली। सबसे मेट्रो आई है, दिल्ली का हाल बहुत बदल चुका है, काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस हो गई है, काफ़ी ज़्यादा ईजिली लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँच सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर आज बैंक ऑफ बड़ौदा का एडवर्टीजमेंट भी लगा हुआ है पूरा का पूरा मेट्रो में। तो ये दरवाज़ा अभी खुलने वाला है, खुल गया दरवाज़ा, मैं लेके चलता हूँ अंदर। तो भाई यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देखते हैं हमको सीट कहाँ पे मिलेगी। मुझको लग नहीं रहा है कि सीट मिलेगी मुझको, तो अभी वेट करते हैं कोई खड़ा होके जाए तब हम बैठें। कितनी ज़्यादा भीड़ है मेट्रो में इस वक्त भी। ये सैटरडे का दिन है और ये दोपहर का टाइम है, ये भी नहीं कि वर्किंग टाइम है, तभी भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो येलो लाइन पे अभी मॉडल टाउन के बाद, मॉडल टाउन तक यहाँ पे ये ऊपर ऊपर चलती है, उसके बाद ये अंडरग्राउंड हो जाती है, जीटीवी नगर से ये अंडरग्राउंड होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये अभी हम ऊपर से जाने वाले हैं अंडरग्राउंड। तो अब देखिए अभी ये पूरा स्लोप है, ये हम नीचे नीचे जाते जा रहे हैं और एकदम डार्क हो जाएगा, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मेट्रो में सबसे अच्छी बात यही है कि आप काफ़ी कन्वीनियंटली पहुंच जाते हैं, मतलब अभी बाहर 38 टेम्परेचर है और एसी बड़ा सही चल रहा है, तो आप आते हैं, दो भीड़ होती है, थोड़ा सा वो इनकन्वीनियंस है, बट उसके बाद आपको इजीली। अभी आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन आ गया, क्योंकि ये पूरा बाहर अंधेरा हो गया है, तो हम अंडरग्राउंड आ चुके हैं। तो ये आ गया जीटीवी नगर स्टेशन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और अभी आप देखेंगे ये पूरा अंडरग्राउंड है। तो ये अभी और भरने वाली है मेट्रो। मेट्रो की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ पे आपको हर टाइप के लोग मिलते हैं, एलीट क्लास स्टूडेंट्स, यंग प्रोफेशनल्स और मतलब थोड़े से नॉट सो वेल टू डू लोग भी। तो यही मेट्रो की खूबसूरती है यार। फाइनली मैं आ गया हूँ द्रोणाचार्य पे, अभी मीटिंग है, थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ मैं। तो जब तक मैं मीटिंग में जाता हूँ तब तक आप सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मीटिंग कैसे गई है मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको वापस लेके चलता हूँ दिल्ली। यार फाइनली मीटिंग हो गई है, अभी मैं जा रहा हूँ वापस आप सबको लेके दिल्ली। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।